हिम्मत कैसे हुई यहाँ से पानी लेने की? तुम लोगों की औकात है यहाँ से पानी पीने की? जाके ना टंकी में से पानी पिया करो। अरे दीदी, मैं तो अपने भाई को बस दवाई के लिए पानी दे रही थी। तेरे भाई की बीमारियों का ना ठेका नहीं ले रखा मैंने। और हाँ, इस मयूर जग में फिल्टर वाला पानी ना तेरा बाप नहीं भराता जो पीने आ गए यहाँ पे। दीदी, हम लोग बहुत गरीब हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि बाहर से खरीद कर ये पानी पिए। और मैंने सोचा जब तक यहाँ पे काम कर रही हूँ ये पानी यहीं से ले लेंगे, और वैसे भी इसको इन्फेक्शन है, अगर ये प्रॉब्लम नहीं होती तो हम बाहर से ही पी लेते पानी। और दीदी, आपको तो पता ही है बाहर पानी कितना महंगा मिलता है, 30 रुपये की बॉटल मिलती है, मैं कहाँ से खरीद पाऊँगी? इसलिए मैंने सोचा इसको यहीं से पानी पिला देती हूँ, कुछ तो असर पड़ेगा इसकी सेहत पर। कुत्तों को ना घी हजम नहीं होता। आइंदा अगर मुझे तुम दोनों इसके आसपास भी दिखे ना, दोनों की टांगे तोड़ दूंगी मैं। अरे बहू, क्या हो गया, इतना शोर क्यों मचा रखा, इसका मलिक ने क्या कर दिया? पापा जी देखना कितने पर निकल आए इसके, मयूर जग में से बॉटल का पानी पिला रही है अपने इस भाई को। क्यों, तुझे घर में कुछ और नहीं मिला तो पानी चुराने लगी? शर्म नहीं आती तुझे बिल्कुल भी? नहीं साहब जी, मैं तो बस। चुप कर, एक तो चोरी करती है ऊपर से जबान चलाती है। बहू एक काम कर, इसका हिसाब कर दे, कल को कुछ और भी चुरा सकती है ये। अरे कोई बात नहीं पापा जी, अभी तो मैंने इसको समझा दिया है। बहू लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, इसे सबक सिखाना बहुत जरूरी है। आज अगर तूने छोड़ दिया तो आगे चल के बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। अरे क्या हो गया, किसको सबक सिखाने की बात कर रहे हो? अरे अच्छा हुआ आप भी आ गए। बेटा इसका हिसाब कर दे, ज्यादा अच्छा है। क्यों, क्या हो गया? बेटा हमने इसको ज्यादा सर चढ़ा रखा है, अपने आप को घर की मालकिन समझने लगी है। नहीं नहीं भैया, दीदी और बाबूजी मुझे गलत समझ रहे हैं। अरे बात क्या हुई है, कोई मेरे को बताएगा? अरे ये महारानी जो हमने मयूर जग में बॉटल का पानी डलवाया ना, वो पानी अपने इस भाई को पिला रही थी। अब ये पानी हमने इसके लिए मंगवाया क्या? नहीं। तो फिर हमने फिल्टर वाला पानी परिवार को बीमारी से बचाने के लिए लगाया है, और रानी भी हमारे परिवार का हिस्सा है। अगर तुम्हारे को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हुई रानी ने अपने भाई को पानी पिला दिया, तो तुम एक चीज बताओ, तुम उसके हाथ की बनी हुई चीजें क्यों खाते हो, उसके हाथ से धोए बर्तनों में भी क्यों खाते हो? तू इसकी ज्यादा साइड ले रहा है। भैया प्लीज मुझे काम से मत निकालना, अगर इसके पेट में इन्फेक्शन नहीं होता तो मैं टंकी का पानी पिला देती। भैया आज के बाद ना मैं घर की किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं करूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे जब घर के अंदर फैसिलिटी है उसको यूज करने में क्या प्रॉब्लम है? मुझे तो ये समझ में नहीं आता आपके पढ़े लिखे होने का क्या फायदा है, जब आपकी ये सोच है। ये 100 साल पुरानी सोच को कब बदलोगे आप? आप लोगों को पता है लोग ना बड़े बड़े प्याऊ बनवाते हैं लोगों की प्यास बुझाने के लिए, पुण्य कमाने के लिए। अरे आप दोनों से तो घर में पानी नहीं पिलाया जा रहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप दोनों की सोच इतनी ज़्यादा घटिया होगी, इतनी छोटी सोच रखते होगे आप। और रानी, तुम्हें जब भी प्यास लगे या तुम्हारे भाई को प्यास लगे तुम यहाँ से पानी पी सकती हो, और तोड़ तुम अपने घर पर भी पानी लेके जा सकती हो। अरे पर अब लाख एक्टिंग कर लो अच्छे होने की, पर उससे कोई फायदा नहीं है। इंसान के अच्छा या बुरा होने का पता इससे चलता है कि वो अपने आसपास के लोगों को कैसे ट्रीट करता है। और रानी अब तुम अपने भाई को पानी पिला सकते हो। शुक्रिया भैया। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं।